सेकेंड एपिसोड ऑफ मीशो हॉल, जहां पर हम 10 जूते देख रहे हैं लगातार 500 के अंदर में। पिछले वाले एपिसोड में हमने 5 जूते कवर कर दिए, चूंकि वीडियो लंबी हो गई थी, इसमें हम 5 कवर कर रहे हैं। फटाफट चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा 6 बॉक्स आ गया हमारे पास, इसमें भी कोई ब्रांडिंग कोई प्राइस नहीं मिलती, पूरा टकला बॉक्स है। फटाफट निकालते हैं जूते को। लेकिन जो जूता है ना भाई, क्या मस्त कॉपी किया हुआ भाई इसने। इसे याद आई पूमा RSX की। देखने से आपको पता चल गया कि इस जूते को पूमा के RSX जैसा डिजाइन किया गया है, ऑल्दो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके आसपास भी नहीं है। अगर इसकी पूरी अपर बॉडी की बात करें तो पूरी बॉडी नीटेड फैब्रिक से बनी गई है, लेकिन अंदर में मेशिंग उतनी कुछ खास नहीं है। फ्रंट में यहाँ आपको ब्लैक कलर का पीयू लेदर का पैच मिलेगा, जिसपे मल्टीपल लेयरिंग की गई है, और इसके ठीक पीछे ब्लू कलर का लेदर पैच मिलेगा, जहाँ पर अलग अलग कट्स के थ्रू यहाँ पर डिजाइन क्रिएट किया गया है। ठीक उसके पीछे एक और लेदर पैच आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर एक और लेदर पैच, जिसके ऊपर एक पुल टैप आपको मिल जाता है। सारे लेदर पैच की देखो क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। लेस के साइड में भी देखोगे तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का लेदर पैच है, यहाँ पर आपको कोई भी मेटल रिंग्स नहीं मिलती, तो ज्यादा खींचातानी करोगे तो ये बाद में कट सकता है। टंग की बात करें तो टंग में समहाउ पता नहीं कैसे यहाँ पर ऑफ व्हाइट की टैगिंग की गई है। पूमा का जूता है, उस पर ऑफ व्हाइट का पैच लगा दिया गया है। टंग की कुशनिंग की बात करें, टंग की कुशनिंग डिसेंट है, बहुत अच्छी नहीं है। जूते के आउटर साइड में यहाँ पर पूमा का स्ट्रिप डिजाइन किया गया है, जिसको अलग लुक देने के लिए यहाँ पर ऐसे कट्स टाइप के डिजाइन बनाए गए हैं। ओवरऑल देखो RSX के जितने भी जूते होते हैं ना, वो मल्टीपल कलर्स के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही मल्टीपल कलर्स देखने को मिलेंगे। तो इतने सारे कलर्स के होने से ना, इस जूते का लुक बहुत अच्छा दिखता है। डिसेंट कुशनिंग है, बहुत अच्छा इसे नहीं बोला जा सकता। इनर सोल भी इसका एकदम ठीक ठाक वाला है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। आउटर सोल की बात करें तो देखो इसका जो सोल है वो एक तो पेंटेड है, यानी ये वाला येलो कलर, ये रेड कलर और ये ब्लैक कलर जितना भी देख रहे हो ना, सारा हैंड से पेंटेड है, कहीं कहीं पेंट फैल रहा है, और इसकी जो फिनिशिंग है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ओवरऑल भी ये जितना व्हाइट पोर्शन है ना, ये सारा भी ना पेंट किया गया है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि बाद में बहुत ज्यादा चलने के बाद या यूज करने के बाद इसके पेंट या इसकी पपड़ी निकलने लग जाए। देखो ये सारे जूते तभी आपको खरीदने चाहिए जब आपका बजट बिल्कुल ही बिल्कुल टाइट हो, या 500 के अंदर ही आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मेरी स्टाइलिंग निकल जाए और कंफर्ट उतना मेजर पॉइंट नहीं है आपके लिए। तो यही कहूंगा, महंगाई इतनी बढ़ रही है ना, तो 500 के अंदर में ये सारी चीजें मिल पाना अफोर्डेबल ही रखती है। जिनके पास देखो जितना पैसा है उस हिसाब से उनको उतनी खरीदारी करनी चाहिए। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। नेक्स्ट हमारा जूता आ गया, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 999। आपको पे नहीं करना 500 के अंदर है। और ये जो जूता है ना भाई, सच में मेरे हिसाब से इस जूते की जो लुक है ना, बहुत ज्यादा अच्छी है। क्योंकि 500 के अंदर जो हम प्राइस को मार्क कर रहे हैं ना, उस बीच में सारी चीजें ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वैसे अगर इसके कलर की बात करें, आपको देखने से पता चल रहा है पूरा ब्लैक कलर का जूता है, यहाँ पर आपको कहीं भी कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा। इकलौता कलर यहाँ पर है रेड, जो कि इसकी ब्रांडिंग की गई है, जो मुझे पसंद भी नहीं लगी। अगर जूते की अपर बॉडी की बात करें ना, इसकी पूरी अपर बॉडी जहां जहां पर आपको मैट सेक्शन दिख रहा है, मतलब जो साइन नहीं कर रहा ना, वो सारा पार्ट वेलवेट मटेरियल से बना हुआ है। मतलब अगर आप यहाँ पर अपनी उंगलियों से ऐसे करके रब करोगे ना, तो इसके पूरे फर ना ऐसे खड़े हो जाते हैं और पता चलता है कि यहाँ पर वेलवेट मटेरियल यूज हुआ है। अब चूंकि जूता इतना मैट है, उसको ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, ग्लॉसी फिनिश देने के लिए, इस जूते के ये पूरे साइड या पूरे राउंड में आपको शाइनी लेदर या शाइनी कोई मटेरियल यूज किया गया है, जो कि मैट के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से निकलता है। लेकिन वही अगर लेस के साइड में देखोगे ना, तो यहाँ पर मैट लेदर दिया गया है, जो कि ओवरऑल ना एक बैलेंस लुक क्रिएट कर रहा है। जूते के फ्रंट साइड में और इसके आउटर साइड में छोटे बड़े स्टोन्स यहाँ पर स्टिक किए गए हैं, जो कि इसे एक अल्टीमेट लुक देते हैं भाई। और इस जूते को देखने से ना, मुझे किसी ज़ारा के जूते की याद आती है। इनकी बात करें तो इसमें भी आपको अपर साइड में कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती, वेलवेट मटेरियल इसमें भी यूज किया गया है, इनर साइड में आपको लेदर का मटेरियल दिया गया है, और इसकी भी जो कुशनिंग है वो डिसेंट है, अच्छी है। लेस के साइड में आपको मेटल रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक कलर का लेस दिया गया है। जूते के पीछे में भी आपको एक शाइनी लेदर का पैच मिलता है। अगर आउटर सोल की बात करें तो थोड़ा चंकी स्नीकर टाइप का डिजाइन किया गया है, यानी इसका जो सोल है वो मोटा है, थिक है। कुशनिंग की बात करें तो डिसेंट कुशनिंग है, ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा लचपच दब नहीं रहा था, क्योंकि ये स्नीकर है, कोई स्पोर्ट जूता नहीं है। और ओवरऑल अगर इस जूते के लुक की बात करें, तो ये जूता आपके लिए एक बहुत अच्छा पार्टी वेयर शू हो सकता है। अंदर में यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, एंड ट्रस्ट मी, अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये 500 के अंदर का जूता है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी ना भाई बहुत ज्यादा सही है। आप इसके लिए जा सकते हो। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि लिंक नहीं दिया। देखो मीशो के लिंक्स नहीं बनते, जो प्रोडक्ट कोड मैंने आपको दिया ना, मीशो का ऐप डाउनलोड करो, जाके उसे खोलो, और वो वाला जो कोड है ऊपर सर्च में लिखोगे ना, तो ये प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। ये वीडियो मीशो के थ्रू स्पॉन्सर्ड नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा बॉक्स आ गया हमारे पास में, इसमें बहुत सारी ब्रांडिंग आपको मिलती है। यहाँ पर लिखा गया है बी बॉक्स, रीबॉक नहीं, बी बॉक्स लिखा हुआ, द ब्रांड ऑफ इंडिया, तो कहीं नहीं अपना नाम रख लिया बे। और ये भी एक बहुत खूबसूरत जूता का काइंड ऑफ रेप्लिका है। इफ यू नो द हाइप ऑफ वैंस ओल्ड स्कूल, आप इस जूते को इजिली पहचान जाओगे। ऑलराइट, सो ये जो जूता है एग्जैक्टली वैंस के ओल्ड स्कूल जैसा दिखता है, ऑल्दो एस्थेटिक्स उतनी भी सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी लुक वाइज वैसा ही दिखता है। पूरी अपर बॉडी की बात करें तो पूरा बॉडी कैनवस से बना गया है, जिसमें मल्टीपल लेयर की पैचिंग की गई है। फ्रंट में
में आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक अलग सा पैच अटैच किया गया है और समहाउ यहाँ पर ये थोड़ा सा हार्ड मुझे लग रहा है। साइड में देखोगे तो वही वैंस ओल्ड स्कूल वाला आपको यहाँ पर डिजाइनिंग या स्ट्रिप मिल जाएगा। ये एक काइंड ऑफ पीयू लेदर टाइप का मटेरियल है इसको यहाँ पर स्टिच किया गया है और ये वाली डिजाइनिंग आपको दोनों तरफ जूते के मिलेगी। अच्छी बात मुझे क्या लगी कि लेस के साइड साइड में आपको मेटल रिंग्स देखने को मिल जाएंगे जो कि जूते को मजबूत बनाते हैं। व्हाइट लेस इसमें दिया गया है। टंकी क्वालिटी की बात करें अंदर से व्हाइट है बाहर से ब्लैक है, कोई भी ब्रांडिंग नहीं है। इसका इनर सोल भी देखो डिसेंट है, साइड साइड इसकी पैडिंग भी डिसेंट है। मतलब चूंकि देखो इतना कम प्राइस है ना इसमें बहुत ज्यादा आपको ऐसा कुशन सपोर्ट ये वो वलाना फलाना ढमकाना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जितना मिलेगा ना वो इसके प्राइस को जस्टिफाई करेगा। मतलब आप लोगे तो आप खुश हो जाओगे, बस मैं इतना कह सकता हूँ। इस व्हाइट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पीछे आपको एक और लेदर पैच देखने को मिल जाता है। पीछे एक और कैनवास की लेयरिंग की गई है। अगर इसके आउटर सोल की बात करें रबर का आउटर सोल है, नीचे आपको बहुत सारे ग्रिप्स देखने को मिल जाएंगे। सीधी बात बताऊं देखो ये एक बहुत खूबसूरत लो टॉप स्नीकर है एंड जनरली इंडिया में बहुत कोई वैंस को नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हो तो आप सस्ते में जूते को पहनकर अच्छा फायदा उठा सकते हो। इसकी कैनवास की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, मेरे पैरों में कैसा लग रहा है ये सारी चीज आप देख सकते हो। और अगर इस शर्ट का भी लिंक चाहिए जो कि बहुत मस्त शर्ट है, बी यूनिक का शर्ट है, बी यूनिक के अपना ब्रांड का शर्ट है, हमने पूरी वीडियो बना दी है, इसे जाकर देख सकते हो। ये जूता कोई आम जूता नहीं है, ये जूता मैंगो जूता है। इसके अंदर है एयर जॉर्डन 1। ऐसा अगर इसके बॉक्स की बात करें बॉक्स की क्वालिटी अच्छी है, जाहिर सी बात है नाइकी के बॉक्स में तो बिकेगा नहीं, यहाँ पर शॉपी नहीं है ना जो इतना लंबा लंबा घपला कर सकता है। ऑलराइट सो ये है नाइकी एयर फोर्स 1 का एक वर्जन, सस्ता वर्जन 500 रुपए के अंदर में। यहाँ पर अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें दोस्तों सीधी बात बता दूं पहले तो जूता बहुत गंदा महक रहा है। मतलब इसमें जो गम की स्मेल है ना बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, पहले कागज पत्थर निकाल लेते हैं कहीं केस ना हो जाए। ऑलराइट सो जैसा AJ1s बने होते हैं सेम सिमिलर वैसी इसकी डिजाइनिंग है, कलर ब्लॉकिंग डिजाइन है। यहाँ पर आपको मेजरली 3 कलर देखने को मिलेंगे, व्हाइट ब्लैक एंड ग्रे। फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का लेदर पैच मिल जाएगा जिसमें आपको छोटे छोटे होल्स मिल जाएंगे वेंटिलेशन के लिए। पीछे होगे तो 2 ब्लैक लेदर के पैचेस मिल जाएंगे और उसके पीछे भी लेस के साइड साइड में लेदर पैच है जो कि ब्लैक कलर का है। सब में आपको मेटल रिंग्स मिलते हैं जो कि इस जूते को और अच्छा बनाता है और इस पे आपको ब्लैक कलर का लेस मिल जाएगा। रंग में यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा माय एयर और नीचे नाइकी का लोगो दिया गया जो कि नाइकी का लोगो नहीं बल्कि किसी साउथ इंडियन विलेन के हाथ का हथियार लग रहा है। पीछे आपको इसकी जो कुशनिंग है वो अच्छी मिलती है, यहाँ मैं अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब उसके पीछे देखोगे तो फिर से व्हाइट पोर्शन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर जैसे वही सेम नाइकी का मतलब नाइकी का नहीं किसी विलेन का साउथ इंडियन विलेन का ऐसे करके हथियार जैसा यहाँ पर इसका लोगो डिजाइन किया गया है। पिक्चर में जब मैं इसे मंगा रहा था ना तो यहाँ पर ये पूरा नाइकी दिख रहा था लेकिन जब भेजा तो नाइकी के ऐसे करके चोंच निकल गए यहाँ पे। उसके ऊपर आपको ग्रे कलर का लेदर पैच मिलेगा, उसके ऊपर आपको ब्लैक मिलेगा जिसके ऊपर एयर जॉर्डन के लोगो जैसा स्टाम्प दिखता है जो कि पेंटेड है और उस पर लिखा गया है माई एयर। और यही सेम सिमिलर डिजाइन पैटर्न आपको दूसरे तरफ भी देखने को मिलेगी। पहली दफा जिंदगी में मैंने एयर फोर्स 1 के पीछे एक पुल टैप देखा है जो कि सच में बहुत ज्यादा फनी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पलीता बम यहां से मारेंगे माजे छरछरा के उड़ जाएगा। जूते के अगर आउटर सोल की बात करें सेम देखो ये व्हाइट तो दिख रहा है लेकिन ये व्हाइट कलर ना इसके पेंट के थ्रू आया है। नीचे आपको यहां पर एयर लिखा हुआ मिल जाएगा और ऐसे लकीर और काइंड ऑफ देखो एयर फोर्स 1 जैसा लुक दिया गया है। अब देखो इनर कंफर्ट्स की बात करें 500 के अंदर के हिसाब से सोचे तो इसमें अच्छी कंफर्ट मिलती है। इनर सोल इसका अच्छा नहीं है, सारे जूतों में यही प्रॉब्लम थी ना, इनर सोल में थोड़ा-थोड़ा अचक-पचक हो ही जा रहा था। अब देखो सीधी सी बात है अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहां एयर जॉर्डन 1 इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, हां अरे तूने ये पहना वो पहना तो वहां पर भाई प्लीज इसे मत पहनना। लेकिन अगर आप छोटी सिटी से हो विलेज से हो या किसी ऐसे शहर से हो जहां पर लोग उतना फैशन को लेके अपडेटेड नहीं है लेकिन आप हो तो आप डेफिनेटली इस जूते को पहनकर अपने शौक पूरे कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका पैसा है, आपका बजट है, आपकी जिंदगी है। 500 के हिसाब से देखो ये बहुत अच्छी डील है। हम फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा जूता हमारे पास में आ गया, फटाफट से निकालते हैं। खूबसूरत बॉक्स है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी डिजाइनिंग लगी मुझे इसकी एंड ये भी जो जूता है ना इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब इसके जो मटेरियल्स है जो भी डिजाइनिंग की गई है ना सोच समझ के बचत करके अच्छी डिजाइन की गई है। इसलिए आपको 2 कलर इसमें देखने को मिलेंगे, एक तो है मिलिट्री ग्रीन और एक है व्हाइट जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सोल पे मिलेगा। पूरी इसकी अपर बॉडी जो है स्मूथ लेदर से बनी गई। अब ये जो लेदर है वो मे बी प्यू लेदर या कोई भी सस्ता लेदर हो सकता है लेकिन टच एंड फील में आपको चीप नहीं लगेगा। ध्यान से देखोगे तो इसके बॉडी के साइड में ना एक बड़ी सी लेयरिंग की गई है लेदर की जो कि पूरा राउंड होती है यहां से वहां
यहाँ तक, और इसी के ऊपर ये जो पूरा इसका पार्ट है ना उसमें थ्रेडिंग के थ्रू या स्टिचिंग के थ्रू इसमें पूरी डिजाइनिंग की गई है। अगर इसके लेस की बात करें तो अच्छा लगा कि लेस के साइड में आपको मेटल रिंग्स मिलते हैं, लेकिन ये वाले जो मेटल रिंग्स है ना उतने मजबूत नहीं लग रहे। गोल्डन कलर के रिंग्स है, इसमें मैचेबल लेसेस दिए गए हैं जो कि जूते के कलर से मैच करते हैं। अगर क्वालिटी की बात करें भाई, टंग पूरा पिलो जैसा फील हो रहा है, इतना मोटा टंग है इसमें, और इसकी कुशनिंग बहुत अच्छे से की गई है। ऑल्दो इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है। अंदर देखोगे तो अंदर पूरा ब्लैक कलर का फैब्रिक यूज किया गया है पूरे अंदर तक। पैडिंग वैडिंग डिसेंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि 500 के हिसाब से ठीक ठाक कर देते हैं ये लोग काम। इसका इनर सोल भी सेम थोड़ा सा लैग कर रहा है। आउटर सोल की बात करें, इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम कि ये जो व्हाइट है वो पेंट के थ्रू किया गया है, और इसमें एयर फोर्स 1 वाले सोल को यहां पर डिजाइन किया गया है। ओवरऑल अगर जूते की लुक की बात करें, देखो एक अच्छा कैजुअल जूता है। अगर आपको इस जूते का कलर अच्छा लगता है, इसकी लुक अच्छी लगती है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं, ये इंश्योरिटी दे सकता हूं कि इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, अच्छी है। जो भी इसमें एक प्रो टिप दे दूं कि जितने भी जूते हैं पिछले वाले एपिसोड में या इस वाले एपिसोड में जितने भी जूते हैं, सारे जूतों को आप एक स्टेप से और मजबूत बना सकते हो। और जाओ किसी भी आसपास के मोची के दुकान में और उनको बोलो एक राउंड यहां से वहां तक सिल देने के लिए, उसके बाद ये जूता और भी मजबूत हो जाएगा। आपको एक लिटिल अपडेट दे दूं कि हम आ रहे हैं अब तक के अपने सबसे बिगेस्ट कॉस्टली हॉल के साथ, जहां पर हम न्यू बैलेंस के मोस्ट प्रीमियम स्नीकर्स को अनबॉक्स करेंगे, बहुत सारे जूते होंगे। तो मेक श्योर कि हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहे, इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश बूम।